खुशी बुटीक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट डिजाइन के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं शर्मिला फगेड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक। आज मैं आपके लिए एक और हेल्पफुल वीडियो लेके आई हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको इस कुर्ती का गला बनाना बताऊंगी। ये कढ़ाई वाली कुर्ती है, इस कुर्ती का गला हम बुकरम से बनाएंगे। तो बुकरम मैंने ये वाली ली है जो हम पहले सलवार के पोंचों में लगाते थे। इस बुकरम की चौड़ाई है 7.5 इंच। इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। ये लंबी कुछ ज़्यादा ही है, 3-4 मीटर के करीब लंबी है। ये मैं इकट्ठी बुकरम खरीद लेती हूँ तो इसमें से लंबी कटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि हर बार हमें कुर्ती बनानी पड़ती है तो गला कटिंग करने में दिक्कत आती है, तो इसलिए मैं इसको लंबी कटिंग कर लेती हूँ 7.5 इंच की चौड़ाई। और इसके बाद में मैं इसको इस तरीके से मोड़ लेती हूँ बीच सेंटर से। अब मैं आपको इसमें से गला कटिंग करना बताऊँगी। जैसा कि हमने इस कुर्ती का गला कटिंग किया है, इसमें से ये कपड़ा निकला है, इस तरीके का कपड़ा निकला है। इस कपड़े को हम डबल फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से आप इसको डबल मोड़ लीजिए और इस बुकरम के ऊपर आप इस तरीके से रखिए, इसके ऊपर आप इस तरीके से रखिए। जैसे बुकरम की बंद साइड भी इस साइड है और ये कपड़े की बंद साइड भी इस साइड है, तो यहाँ पे आप रख के और इसकी कटिंग कीजिए। जैसे यहाँ पे ये जो कपड़ा है इसी के पास पास में बिल्कुल कटिंग करनी है। और अब देखिए इस तरीके से ये बुकरम कटिंग हो गई है। अब हम इसकी चौड़ाई करीब 1 इंच की कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। तो ये देखिए मैंने गला बनाने के लिए बुकरम कटिंग कर ली है। अब मैं आपको इस बुकरम से गला बनाना बताती हूँ, तो चलिए चलते हैं मशीन की तरफ। ये हमने बुकरम से कटी हुई पट्टी ले ली है और ये एक चौरस कपड़ा ले लिया है, पट्टी से थोड़ा सा बड़ा है। इसको हम 1/2 इंच ऊपर से छोड़ देंगे और इस साइड वाले कपड़े को इस तरीके से मोड़ लेंगे बुकरम के ऊपर। इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। एक्स्ट्रा कपड़े को इस पट्टी के ऊपर मोड़ दीजिए। यहाँ पे झोल नहीं आना चाहिए, इसको आप अच्छे से मोड़ लीजिए। इस तरह से इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब हम एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देंगे। अब हम अंदर की साइड का जो कपड़ा है एक्स्ट्रा, इसको भी कटिंग कर देंगे यहाँ से। ये हमने पट्टी बना ली है गले के लिए और ये हमारा अस्तर है कुर्ती का और ये है कुर्ती। इसको हम अस्तर के ऊपर अच्छे से सेट कर लेंगे। अब इसके ऊपर जो हमने बुकरम से बनाई थी पट्टी, ये पट्टी रख लेंगे। इस पट्टी को हम बीच सेंटर से मिला के रख लेंगे। दोनों साइड बराबर बराबर ऊपर निकलनी चाहिए और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। एक एक पैर की सिलाई लगाएंगे हम यहाँ पे। इस पट्टी को अच्छे से सेट करके इसके ऊपर सिलाई लगानी है, नहीं तो ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। इस तरह से मैंने इसके ऊपर एक सिलाई लगा ली है। अब देखेंगे कि ये जो कढ़ाई है इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा भी बचा हुआ है, तो हम इसको उल्टी साइड से रख लेंगे और यहाँ पे जैसे जो कढ़ाई दिख रही है ये अस्तर में से नहीं दिख रही है, इस पर हम हाथ लगाएंगे तो ये आसानी से दिख जाएगी। तो इस कढ़ाई के किनारे किनारे पे हमें एक सिलाई और लगानी है। खाली कपड़ा यहाँ पे नहीं बचना चाहिए, क्योंकि खाली कपड़ा बचेगा तो गंदा लगेगा। देखिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई के बराबर सिलाई लगा दी है। अब हम इस एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देते हैं। यहाँ पे करीब एक पैर की सिलाई ही बचनी चाहिए। इसमें हम कट लगा लेंगे छोटे छोटे। ये कट लगाते समय ध्यान रहे कि हमारी सिलाई ना कट जाए। अब देखिए हमने ये कट भी लगा लिए हैं, इसमें अच्छे से लगा लिए हैं। अब इस अस्तर को अलग कर लेते हैं कपड़े से। इस तरह से एक साइड कपड़ा होना चाहिए, एक साइड अस्तर। अस्तर के ऊपर इस पट्टी को हम इस तरीके से मोड़ लेते हैं और इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। इसको ये सिलाई आपको आराम से लगानी है, इसमें आपको ध्यान देना है कि कहीं पे झोल ना आ जाए। ये पट्टी हमें अस्तर के ऊपर मोड़ देनी है।
अब देखिए मैंने अस्तर के ऊपर ये इस पट्टी को अटैच कर दिया है। यहाँ पे आपको तुरपाई भी नहीं करनी पड़ेगी। और एक सिलाई मैं आपको और लगा के दिखाती हूँ। इस तरह से आप कुर्ती को मोड़ लीजिए और यहाँ पे जो ये कढ़ाई दिख रही है, इस कढ़ाई के अंदर थोड़ी सी जगह भी है, यहाँ पे आप सिलाई लगा लीजिए। यहाँ पे आप सिलाई लगाएंगे तो आपको यहाँ पे तुरपाई भी नहीं करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे सिलाई मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। इसके किनारे के अंदर हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से आप इस किनारे के साइड साइड में सिलाई लगा लीजिए तो ये सिलाई बाहर नहीं दिखेगी और अंदर से आपको तुरपाई भी नहीं करनी पड़ेगी। इस तरह से आप कढ़ाई वाली कुर्ती का गला बना सकते हैं। देखिए मैंने ये पक्की सिलाई लगा दी है, यहाँ पे आपको तुरपाई नहीं करनी है। अब देखिए जो ये कढ़ाई दिख रही है, यहाँ पर भी आप एक एक सिलाई लगा दीजिए और ये जो बड़ी वाली लाइन है इन पर भी आप एक एक सिलाई लगा दीजिए ताकि ये अस्तर अच्छे से अटैच हो जाए और आपको कुर्ती सिलते समय दिक्कत ना आए। तो देखिए एक सिलाई हम यहाँ पे लगा लेते हैं यहाँ तक, यहाँ से इन धागों को कटिंग कर देंगे। ये सिलाई भी बाहर नहीं दिखेगी क्योंकि ये कढ़ाई के अंदर ही घुल मिल जाती है। और इस लाइन के ऊपर भी एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से आप इस पूरे अस्तर को अटैच कर सकते हैं ताकि आप कुर्ती सिलेंगे, फिटिंग करेंगे तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है और ये अस्तर अच्छे से अटैच हो गया है। ये टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं होगा और इस तरीके से मैंने ये गला बना दिया है। आप भी अपनी कुर्ती का इसी तरीके से गला बना लीजिए अगर आपकी कुर्ती में कढ़ाई है तो। अगर आपकी कुर्ती में कढ़ाई नहीं है तो आपको तुरपाई ज़रूर से करनी पड़ेगी क्योंकि सिलाई बाहर दिखेगी। तो देखिए कितना सुंदर गला बना है और इसमें टाइम भी नहीं लगा बनाते समय, और ये अच्छा भी लगेगा और इसमें तुरपाई भी नहीं करनी पड़ेगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।